ओम नमः शिवाय। शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन में 9 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा मघा नक्षत्र में दिन भर चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। मघा नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, धनी, आस्तिक और धन और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ऐसे जातक अस्पष्टवादी, हिम्मती मगर भावुक और नेतृत्व करने की प्रबल क्षमता वाले होते हैं। ऐसे जातक उच्च स्तर की आजीविका पाने वाले, उद्यमी और अन्वेषण के कार्यों में रुचि लेने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा सूर्य और केतु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज सिंह राशि में चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी सूर्यदेव हैं। ऐसे जातकों को 27 दिन बाद पुनः इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। अब शुक्र राहु और चंद्रमा की युति भंग हो चुकी है, चंद्रमा सिंह राशि में आ चुके हैं। आज के नक्षत्र का फल जातकों के अपने कारकों और महादशा के अनुसार मिलता रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के मन में चल रहे अंतर्द्वंद, मानसिक उथल पुथल और भ्रमात्मक स्थिति से राहत मिलेगी। चंद्रमा 5वें घर में चल रहे हैं, आपकी कोशिश और आत्मविश्वास से रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। तार्किक क्षमता बढ़ेगी और नई कार्ययोजनाओं का विस्तार होगा। साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। खुशहाली और पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी। अच्छे कार्यों में पूंजी निवेश और बच्चों के भविष्य पर खर्च की संभावना बनती है। कुछ मामलों में आलस्य या अवरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। विद्यार्थी ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने सामान के प्रति आज सावधान रहें। आज चंद्रमा वृष राशि से 4थे भाव में चल रहे हैं। आपकी सक्रियता और कार्यक्षमता व्यावसायिक उद्देश्य के साथ ही घर गृहस्थी के रचनात्मक कार्यों के प्रति भी केंद्रित रहेगी। थोड़ी बहुत रुकावटों के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बौद्धिक क्षमता और प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति आपके हर काम को आसान और सुविधाजनक रूप में बदल देंगे। नई कार्ययोजनाओं का प्रस्ताव मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। मांगलिक कार्यक्रम के लिए समय अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। भावनात्मक लगाव बढ़ेगा, व्यावसायिक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। आपके प्रयास और आत्मविश्वास से आर्थिक निवेश की कई लाभकारी योजनाएं सामने आएंगी। पारिवारिक प्रेरणा और पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि के जातक मानसिक रूप से खुश और उत्साहित महसूस करेंगे। भ्रमात्मक स्थिति खत्म होगी। आर्थिक लाभ के कई अवसर मिलते जाएंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी और सम्मानित किए जाएंगे। चंद्रमा का केतु के नक्षत्र में होना और मंगल का सहयोग कई कार्ययोजनाओं के विस्तार में सहायक होगा। संतान व आर्थिक पक्ष अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। शत्रु पक्ष हावी रहेगा मगर पारिवारिक सुख संतुष्टि महसूस करेंगे। सिंह राशि के जातक मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। खास तौर से पेट संबंधी मामलों में दिक्कत हो सकती है। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी और लक्ष्य निर्धारित होंगे। संबंधित मामलों में अचानक यात्रा का योग संभावित है। आर्थिक निवेश के लिए समय अनुकूल है। परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास अधिक करना पड़ेगा। कन्या राशि के स्वामी बुध 10वें भाव में चल रहे हैं और चंद्रमा 12वें भाव में। अति आत्मविश्वास महसूस होगा और बात बात पर तर्क करने की प्रवृत्ति बढ़ी रहेगी, मगर व्यावसायिक मामलों में सुधार का दौर जारी रहेगा। भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। सकारात्मक प्रयास से प्रोन्नति के अवसर मिलेंगे। मित्रों व सहयोगियों से अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धर्म कर्म और मित्रों पर खर्च संभावित है। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें।
तुला राशि के जातकों के रुके हुए काम संपन्न होंगे, धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे, मगर मन का अंतर्द्वंद आपके कार्य क्षेत्र और ऊर्जा स्तर को प्रभावित करेगा। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, अच्छे काम में वित्तीय निवेश के लिए सहयोग मिलता जाएगा, मगर व्यावसायिक अनियमितताएं संभावित हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक लेन देन व महत्वपूर्ण कागजातों को ध्यान से पढ़कर उसका निपटारा करें। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन में आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, प्रयास जारी रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन का अंतर्द्वंद कम होगा और मानसिक शांति मिलेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र के विकास और उत्थान की मानसिकता बनी रहेगी, जिसमें सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नवीन कार्य योजनाओं और साझेदारी के लिए समय अनुकूल है। अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। पारिवारिक दायित्व के प्रति चिंता बढ़ेगी। निजी मामलों में बाधा या रुकावट संभावित है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यावसायिक संसाधनों में वृद्धि होगी और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक रहेगी। नए प्रस्ताव सामने आएंगे। साझेदारी सफल रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और विवादों के निपटाने का योग बनता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। मकर राशि के जातकों की सक्रियता बनी रहेगी और कार्य योजनाओं में सफलता हासिल होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। लोकप्रियता बढ़ेगी और प्रशंसा के पात्र बनेंगे। शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। उन्नति का दौर जारी है। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा संभावित है, मगर कभी कभार संतान संबंधी चिंता, मन में नकारात्मक भावों का आना, कार्यों में रुकावट और आत्मविश्वास में कमी की संभावना भी बनती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। साथ ही अपने स्वास्थ्य पर सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज की शुरुआत दृढ़ आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिक प्रभाव से होगी। रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं में कुछ विषयों पर प्रयास सफल होंगे। आर्थिक पक्ष सहयोगी रहेगा। धन संबंधी मामलों में अचानक लाभ संभव है। साझेदारी सफल रहेगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की दिनचर्या सामान्य रहेगी। चंद्रमा के छठवें और केतु के नक्षत्र में होने से मानसिक व्यग्रता, नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कार्य क्षेत्र में लापरवाही की प्रवृत्ति बनी रहेगी। आत्मविश्वास और सक्रियता प्रभावित होने से रचनात्मक कार्यों में बाधा संभावित है। हालांकि सुख संतुष्टि बनी रहेगी। व्यावसायिक अनुकूलता और आर्थिक पक्ष आपकी क्रियाशीलता के अनुसार बना रहेगा। विभागीय अधिकारियों से सहयोग व धन लाभ मिल सकता है। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।